रायपुर में हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस में गर्भवती महिला ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। पूरा मामला जिला अस्पताल पंजी का है, जहां घर में नए मेहमान की उम्मीद लेकर भीम भौरी निवासी कौशल साहू अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा था, जहां इलाज नहीं मिलने पर महिला की मौत हो गई। एम्बुलेंस स्टाफ ने बताया कि हॉस्पिटल के बाहर 2 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया था। डॉक्टरों को भी सूचना दी गई थी। मृतक के परिजन और एम्बुलेंस स्टाफ से बातचीत की सत्या सिंह राजपूत ने। बदहाली ने आज एक और जान छीन ली है और ये नजारा आपको दिखाते हैं हम। जिला अस्पताल पंडरी का है, जहां 1 घंटे तक एम्बुलेंस में ये गर्भवती महिला थी और यहां पे वो अपने दर्द से आज अपनी जान गंवा चुकी है। उनके परिजन यहां मौजूद हैं। तो कोई डॉक्टर आया था हॉस्पिटल से यहां पे नहीं ले जाने के कारण कुछ बताए? आए थे डॉक्टर, लेकिन ले जाने के लिए कुछ ही नहीं बोला, यहीं पे रहे छोड़ दिया था। यहीं पे 1.5 घंटे से एम्बुलेंस में? हाँ, एम्बुलेंस में ही था, 1.5 घंटे से एम्बुलेंस में ही था। चेक किया और चले बस ही गए, अंदर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बोला है। यहाँ पे एम्बुलेंस कर्मी भी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि कितने समय आप इनके घर पहुँचे थे और ये यहाँ लेकर कब आए? हम लोग 12:15 तक पहुँचे थे उनके घर, और यहाँ पे हम लोग लेके आने 1:15 तक यहाँ पहुँच गए थे लाके। उसके बाद हम लोग गए, डॉक्टर को बुला के लाए, डॉक्टर ने चेक किया। अभी आपने यहाँ का नजारा देखा कि यहाँ पे 1.5 घंटा से जो गर्भवती महिला है जो यहाँ पे तड़पती रही, और एम्बुलेंस में जो लेकर आए हैं जो यहाँ एम्बुलेंस के स्टाफ है उनका भी कहना है कि महिला बेहोश थी, ऑक्सीजन देकर उनको लाया गया था, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर चेक करने आए थे, लेकिन इनको अगर सही समय पे इलाज होता तो आज वो दम नहीं तोड़ती। अब देखना ही होगा, ये लगातार ये दूसरा मामला, एक मामला और आया था जिसमें व्यवस्था नहीं होने पर वो गर्भवती महिलाएं भी दम तोड़ दी थी, जिसके कारण अभी तक उसमें जांच जारी है और ये दूसरा मामला हो गया। अब देखना ही होगा कि इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है। कैमरामैन चोराराम के साथ सत्यराज पूत, स्वराज एक्सप्रेस।